नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? अनुपात और समानुपात। ये तो सेकंड भाग है, अनुपात समानुपात का वो चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला भाग किया था वो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर वापस उसको रिवाइज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वापस रिवाइज करो। जो आज का जो टॉपिक है वो अनुपात, ओनली फॉर अनुपात पे बात करेंगे, उसके बाद समानुपात पे बात करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन की बात करूं तो दो संख्याएं दो अनुपात तीन में है, प्रत्येक संख्या में बीस जोड़ दिया जाए नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या याद करो, देखो प्यारे बच्चों, इसको करने का दो तरीके होते, दो तरीके अपने पास। फर्स्ट, और यहां पे बताऊंगा सेकेंड, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। देखो, एक तो जो बेसिक से करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, एक तो एग्जाम में कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं। जैसे दो संख्याएं दो अनुपात तीन में दे रखी है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना भाई, इसमें भी अपने को 20 जोड़ना है और इधर भी कितना जोड़ना है अपने को 20 जोड़ना है। तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 4:5 नया अनुपात हो जाता है 4:5। तो प्यारे बच्चों, अगर दोनों संख्या सेम जोड़ रहे हैं, जैसे पहले में भी 20 जोड़ रहे हैं और दूसरे में 20 जोड़ रहे हैं, तब की बात करो, और आगे की जो क्वेश्चन करूंगा, पहले में 10 जोड़ दिया, दूसरे में 15 5 जोड़ दिया, 15 घटा दिया, उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर दोनों संख्या समान है तो पहले देखते हैं अंतर इनका, 2 और 4, 2 से 4 हो रहा, कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। इधर 3 से 5 हो रहा, कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। अगर दोनों साइड अंतर समान है तो तब क्या करना आपको, 2 अंतर समान है 2, और यहां पे कितना ऐड कर रहा है 20, इसका मतलब a का मान निकालेंगे 20/2, यानी कितना आ गया 10। a का मान 10 आ गया, तो पहली संख्या अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब वो संख्या क्या है अपने, 1 तो 20 और 1 है 30। आ रही बात समझ में? एक बार वापस से समझा देता हूं मैं, दो संख्या 2:3 के अंदर है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ रहे हैं और नया अनुपात क्या हो जाता है 4:5। तो पहले देखें इनका अनुपात अंतर समान आ रहा है क्या, इधर पे 2 से 4 और अंतर 2 आ रहा है, 3 से 5 और अंतर 2 आ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो a की वैल्यू 20/2 यानी 10 आ गया, a की वैल्यू 10 है, 2 की कितनी हो गई 20 और 3 की कितनी हो गई 30। ये तो हो गया अपना जो एग्जाम में करने का तरीका है। एक जो बेसिक से करते हैं वो देखो, 2:3 दे रखा, तो इसको तो मैं मान लेता हूं 2x, इसको क्या मान लेता हूं 3x। पहली संख्या में भी 20 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में भी कितना जोड़ रहा है, तो नया अनुपात क्या आ जाता है 4:5। अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं आप, ऊपर फ्रैक्शन के अंदर। अब क्या कराएंगे, वही वजन गुणा, तो 5 को 2 से किया 10x, 5 को 20 से किया 100, 4 को 3 से किया 12x, प्लस 4 को 20 से किया 80। अब एक्स एक्स की संख्या एक साइड लेके आएंगे 10x, ये प्लस का 12 इधर आएगा, ये 12 इधर आ गया माइनस का, तो इधर क्या बच गया
अस्सी, और ये प्लस का सो इधर लेके आएंगे, 10 प्लस का माइनस का 12 तो माइनस का 2x, और इधर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर क्या आ गया 20 बटे 2 यानी 10, x का मान 10 तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 30। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक बार वापस से समझा दे, जो आपको अच्छा तरीके लगे वो करना, जो आपको बेस्ट लगे वही करना। 2:3, प्रत्येक में 20-20 ऐड कर दिया, और 4:5 हो जाएगा, 2 से 4 और 2 का गैप है, 3 से 5 और 2 का अंतर, 2 की वैल्यू 10, 1 का मान 10, 2 की वैल्यू 20 दे रखी, 1 का मान 10 आ गया, 2 की 20 और 3 की 30 हो गई। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, दो संख्या 7:9 में है, प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए, इस बार क्या कर रहा है 10 घटा दिया जाए तो नया अनुपात हो जाता है 5:7, तो संख्या याद करो, जोड़ दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वही प्रोसेस है, जैसे अनुपात 7:9 दे रहा है, प्रत्येक संख्या में से 10 घटा रहा है, इधर भी 10 घटा रहा है और इधर भी 10 घटा रहा है, तो नया अनुपात क्या हो जाता है 5:7, वही तरीका जोड़ो घटाओ वही तरीका, अंतर कितने का है 5, 7 से 5 हो रहा कितने का 2, 9 से 7 हो रहा कितने का अंतर है 2, 2 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 यानी 5, 1 की वैल्यू 5 तो 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, तो वो संख्या क्या हो गई 35 और 45, क्या हो गए 35 और 45। वापिस से समझा देता हूँ, 7 और 9 दे रखे, प्रत्येक संख्या में से 10 घटा रहा है तो नया अनुपात हो जाता है 5 और 7। अब देखो इनका आंसर देखो, 7 से 5 हो रहा है 2 की कमी, 9 से 7 2 की, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 5 आ गया, तो 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अब आप बोल रहे होंगे सर अगर अंतर समान नहीं है, अगर अंतर समान नहीं है तब क्या करेंगे, तो देखो कि दो संख्याएं 2:7 में, प्रत्येक संख्या में 38 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 5:8 हो जाता है, 5:8 हो जाता है, तो संख्याएं याद करो, देखो प्यारे बच्चों, इस स्टेप में पहले वही प्रोसेस से चेक करते हैं 2:7, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं 38, और इधर भी क्या जोड़ रहे हैं, तो नया अनुपात क्या जाता है 5:8। पहले वही दोनों सेम संख्या जोड़ रहे हैं,
तो अंतर देखते हैं, इधर अंतर किसका आ रहा है, दो से पांच तीन का, इधर सात से आठ एक का, अंतर समान नहीं है। तब क्या करेंगे, तो इनका गैप लेते हैं, पांच से आठ तीन का, और इधर अंतर कितने का है, पांच का। अगर अंतर समान नहीं हो रहा है तो क्या लेंगे, नीचे वाले का अंतर लेंगे और ऊपर वाले का अंतर, तो ऊपर वाले का अंतर पांच आ रहा है, नीचे वाले का अंतर तीन आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो नीचे अंतर है उसको ऊपर से गुणा कर, तीन, जो नीचे अंतर तीन है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर, तीन इंटू दो कितना हो गया छह, तीन इंटू सात कितना हो गया इक्कीस। अब जो ऊपर है उसका नीचे गुणा कर दो, पांच इंटू पांच पच्चीस, पांच इंटू आठ चालीस, नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा करवा दिया, तीन को दो से छह, तीन को सात से इक्कीस, जो ऊपर अंतर है उसको नीचे, पांच इंटू पांच पच्चीस, पांच इंटू आठ चालीस। अब देखो अंतर समान है, छह से पच्चीस उन्नीस, इक्कीस से चालीस उन्नीस, अंतर समान आ रहा है, अंतर क्या रहा है समान आ रहा है, इधर भी अंतर उन्नीस और इधर भी अंतर उन्नीस, इसका मतलब उन्नीस का अंतर है तो इसमें कितना जोड़ रहा है अड़तीस, तो ए का मान अड़तीस बटे दो उन्नीस, यानी कितना आ गया दो, ए का मान दो है तो ऊपर जो नया अनुपात है उससे गुणा करेंगे, छः इंटू दो कितना आ गया बारह, और इक्कीस इंटू दो कितना हो गया बयालीस। एक बार वापस बता देता हूँ, अगर अंतर समान नहीं आए, जैसे यहाँ पे दो से पाँच हो रहा है तो तीन का और सात से आठ एक का, दोनों साइड दोनों तरफ या दोनों साइड अंतर समान नहीं है, तब क्या करेंगे, नीचे वाले का अंतर लेंगे और ऊपर वाले का, तो नीचे वाले अंतर को ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाया, ऊपर वाले को नीचे से गुणा करवाया। अब देखो इनका अंतर क्या आ रहा है, उन्नीस, इधर भी उन्नीस, तो उन्नीस का मान अड़तीस, तो एक का मान दो आ गया, तो छः को दो से किया बारह और इक्कीस को दो से किए बयालीस। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या पढ़ाना है आज, वो पहले से लिख के रखता हूँ मैं। क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो अपने पास वो रखने पड़ते हैं क्वेश्चन, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। और एक प्यारे बच्चों, आजकल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेरे को लग रहा है कि आजकल आप, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, ये जो टाइम मिला है वो बार बार नहीं मिलने वाला, घर वालों की जो आस है वो आप उसमें खरे नहीं उतर रहे हो, खरे नहीं उतर रहे हो, घर वालों को आप पे बहुत विश्वास है, और आप जो इस समय उस समय का जो सदुपयोग नहीं कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, वो आप घर वालों को धोखा दे रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मेरे को इससे ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरा सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, मैं ओनली फॉर आपके लिए यहाँ पे अब पढ़ाने आता हूँ, ओनली फॉर आपके लिए लाइक्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइब कॉमेंट आ रहे हैं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओनली फॉर आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को वो नहीं है कि मेरा चैनल चल रहा है, चैनल से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ओनली यहाँ पे पढ़ाने के लिए आता हूँ। नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं आपके लिए बस यहाँ पे चुरू हूँ कि हाँ लॉकडाउन में कुछ दो दिन से एक दिन से अगर मैं क्लास निकाल देता हूँ तो कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, अगर इस बेनिफिट का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो घर वालों के लिए। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, अगर आप रेस करने जाओगे ना तो आप रेस करने जाओगे तो आप लोगों को पता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज है आर्मी भर्ती के लिए, अगर आप रेस कर रहे हो या दौड़ रहे हो, अगर आप एक बार गिर जाओगे ना तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई भी उठाने वाला नहीं मिलेगा, सब लोग आपके ऊपर से चले जाएंगे। और यही बात बता रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में फेल होगे ना, एग्ज़ाम में फेल होगे तो कोई उठाने वाला नहीं है, कोई भी उठाने वाला नहीं, और जो आपको धोखा दे रहे हैं वो कौन है, वो आपके साथ वाले धोखा दे रहे हैं कि हाँ। अगर आप रेस में गिर जाते हो तो आपके जो आगे निकल जाते हैं, आपके ऊपर से निकल जाते हैं, आपको जो उठाने वाला नहीं है वो कौन नहीं है, वो आपके खुद वाले नहीं है, सगे संबंधी नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने होड़ में लगे हुए हैं, सबको अपने जॉब से मतलब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जॉब लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, तो फर्क पड़ता है तो ओनली फॉर आपके माता पिता को फर्क पड़ता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओनली फॉर आपके माता पिता को फर्क पड़ता है कि हाँ मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा था कि वो कुछ जॉब लग जाए तो अपने घर की कंडीशन अच्छी हो जाए। मान लेता हूँ कि इस समय आपको नहीं लग रहा है कि जॉब की कीमत क्या होती है, अपने घर वालों से पूछना कि वो पूरे दिन खेत में काम करके
तब आपको पढ़ाया लिखा है तो इस काबिल बनाया कि आप एक अच्छी सी जॉब लग जाओ। तो प्लीज़ अपने घर वालों के साथ धोखा ना करें और जो भी समय है उसका सदुपयोग करें, घर पे बैठे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाओ लॉकडाउन का। आगे समय नहीं मिलने वाला, एग्ज़ाम ये जो बोल रहे हैं कि इस बार जो भर्ती है अजमेर में होने वाली है, जितने भी अपने जिलों की भर्ती है वो अजमेर में होंगी, तो वो वापस समय नहीं मिलेगा। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप यहाँ तक आए हो, एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलता है किसी, और अब आप गिर रहे हो तो कोई उठाने वाला भी नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये जो आपको गिरा रहे हैं वो आपके सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, वही है और कोई नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरा काम पढ़ाने का है, पढ़ाऊँगा। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं कि नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। आज इस समय का आपको पता नहीं लग रहा है, और जिस दिन आप जॉब लग गए बहुत अच्छी बात है, अगर जॉब नहीं लगे तो आपको बातें याद आएगी कि सर हाँ क्या कह रहे थे अपने, वो अच्छी बात बोल रहे थे, उस समय नहीं पढ़ पाए वो बहुत गलत बात है। तो अगर एक रिक्वेस्ट मान रहे हो तो बड़े भाई की रिक्वेस्ट मान लो कि अभी भी समय है, अच्छे से सदुपयोग करो और जितना पढ़ सके उतना पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, इसी प्रकार से देखो, ये टॉपिक जो मैं आपको आर्मी के लिए पढ़ा रहा हूँ वो इतना काफ़ी है, आगे की मैं बात करता हूँ आगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है जैसे ए अनुपात बी प्लस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, दे रखा आपको दो अनुपात तीन, इसी प्रकार से बी अनुपात ए प्लस सी अनुपात दे रखा अपने को 1:5। अब क्या करें सर, देखो ए बी सी तीनों है, इधर भी बी ए सी तीनों है, ए बी सी। अब देखो पहले तो तीनों का जोड़ देखो, ए बी सी का तीनों, तीन दो कितना हो रहा है, यहाँ पे जोड़ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और नीचे वाले का जोड़, यहाँ पे जोड़ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये तो बात जमी नहीं हुई, तीनों संख्या दे रखी है, एक का जोड़ 5 आ रहा है और एक का जोड़ 6 आ रहा है, ये तो बात जमी नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इनके जोड़ को बराबर करेंगे, तब ए बी और सी का रेशियो निकाल पाएंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तब क्या करना, पहले इनको जोड़ के देखो, अगर दोनों संख्या बराबर है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो जैसे 6 नीचे और ऊपर 5 है, तो 6 को ऊपर वाले से गुणा करा दो, तो ए अनुपात बी प्लस सी की बात करूं तो 6 को ऊपर गुणा करवाया 12, 6 3 18। इसी प्रकार से बी अनुपात ए प्लस सी, ऊपर वाला 5 योग नीचे से गुणा करा दो, 5 × 5 कितना हो गया, 25। अब देखो इनका योग 12 और 18 कितना हो गया, 30। 25 और 5 कितना हो गया, 30। 25 और 5 टोटल, इधर ए अनुपात बी अनुपात सी का टोटल कुल कितना है अपने पास, 30 है। एक एक चीज बता रहा हूँ, नहीं इतना बताने का नहीं होता, एक एक चीज बता रहा हूँ। इनको तीनों दोनों को ऐड करो, 30 हो रहा है, इधर भी 30, इसका मतलब टोटल कितना है, ए बी सी तीनों का रेशियो कितना है, टोटल 30 है। अब देखो ए का रेशियो यहां से कितना आ रहा है अपने पास, 12। ए का रेशियो साफ साफ दे रखा, पहली संख्या ए 12 आ गया, ठीक है। ये तो बी प्लस सी का है और ये ए प्लस सी का है, तो इधर देखो बी वाला दे रखा है, इधर बी का कितना है, 5। अब बात आगे सी का कितना निकाले भाई, इधर भी बी प्लस सी है, इधर भी ए प्लस सी, कुछ नहीं करना, देखो ए का 12 बी का 5 और टोटल योग कितना हो रहा था, 30, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो इसका मतलब सी का कितना बच गया, 13 बच गया। इसका मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 12:5:13। ए बी सी का आ गया 12:5:13। एक बार वापस बता देता हूँ, इधर देखो ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा 2:3, इधर दे रखा 1:5। तो पहले इनको ऐड करके देखो, ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये तो बात जमीनी, तीनों का अगर योग की बात करें तो बराबर होना चाहिए योग, दोनों तीनों दोनों संख्या का, इस संख्या और इस संख्या दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तो क्या करें, अगर योग बराबर नहीं है तो नीचे वाले को ऊपर गुणा करा दो, 6 × 2 12 6 3 18।
और ऊपर वाले को नीचे गुणा करा दो। अब देखो इनका योग बराबर हो रहा 30, ये भी 30, अब बात सही है अपनी। तो यहाँ से देखेंगे ए का कितना दे रखा है 12 और यहाँ पे बी का कितना दे रखा है 5। अब बात आती है सी की, तो आपको पता है तीनों का योग 30 है, जिसमें से ए 12 डी 5 हो गया, टोटल योग ये 17 हो गया, तो सी कितना बच गया, 30 में से 17 निकाल देंगे कितना आ गया 12, 5 और 13। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अब थोड़ा समानुपात पे बात करता हूँ मैं, आगे क्वेश्चन और करवाऊंगा इनके, अभी क्लास चलेगी 2-3 क्लास और लगेगी, बस एक बार तो बेसिक से क्वेश्चन करवाऊं तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समानुपात की बात करते हैं, जैसे समानुपात के अंदर दे रखा है ए बटा बी बराबर दे रखा है सी बटा डी, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर इनको मैं वज्र गुणा कराऊं तो ए गुणा डी और इधर क्या आ जाएगा बी गुणा सी। अगर ये रेशियो बराबर है, इस रेशियो की तो वो होती है समानुपात, अगर मैं इसको वज्र गुणा करा दूं ए को डी से बी को सी से गुणा करवा दूं तो क्या संख्या आ गई ए इंटू डी बराबर क्या हो गया बी इंटू सी। अगर एक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, समानुपात का मतलब है दोनों साइड बराबर, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2-4 और ये आ गया समानुपात, और इसको मान लेता हूं मैं 6 और इसको मान लेता हूं x। अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, x का मान याद करो, x का मान याद करो, तो कुछ नहीं करना इस टाइप से, जब भी क्वेश्चन है x का मान अंदर अंदर गुणा करवा दो, बार बार गुणा करवा दो, तो अंदर अंदर गुणा करवाएंगे या बार बार गुणा करवाएंगे, तो बार को 2 इंटू x से गुणा करवाएंगे क्या आ गया 2 इंटू x, और इधर क्या आ गया 4 इंटू 6। अगर मैं यहां से x फाइंड आउट करूं 2 इंटू 4 बटे क्या हो जाएगा, ये जो दुगुणा में काट लगे बाद ये 6 हो गई, 2 से 2 क्या हो गया 4, सॉरी 4 है, 2 से एक बार 2 से 2 तो कितना आ गया x का मान 12। अब देखो ये जो अनुपात दे रखा 2:4 समानुपात 6:6 x का मान कितना आ गया, अब देखो दोनों साइड बराबर है यानी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 और ये कितना आ रहा है 2, एक कट रहा है 2 से एक बार 2 से 2 बार, 6 से एक बार कट रहा है 6 से 2 बार, दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं ना, ये भी 1:2 और ये भी 1:2, समानुपात का मतलब है दोनों साइड क्या करनी है अपने बराबर, और यहाँ पे अगर समानुपात का चिन्ह नहीं दे बराबर भी दे सकता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बराबर दे या समानुपात का चिन्ह दे, समानुपात का मतलब ये होता है दोनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, जैसे जैसे दो संख्याएं अगर दो संख्याएं ए और बी दी गई हो तो आपको पहला पॉइंट क्या पूछ सकता है इसका, मध्यानुपाती पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है ए और बी उनको क्या करवाना है गुणा करवाना है। अगर दूसरा पॉइंट पूछ सकता है यहाँ पे इसका तृतीय अनुपाती, दो संख्या दे गई है उनका क्या पूछ सकता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, देखो मध्यानुपाती अंडर रूट के अंदर ए और बी को क्या करवाना है गुणा, तो 4 इंटू
16 64 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा भाई, 8 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तीन अनुपाति, तो 3 और 6 का अनुपाति क्या होगा, 3 और 6 का क्या होगा, तो 20 स्क्वायर बटा 1। तो ये जो पहली संख्या होती है ये ए होती है, और ये जो दूसरी संख्या होती है वो होती है बी। तो 20 स्क्वायर अनुपाति ऊपर होता है ए, तो बी का क्या है 6 × 6 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और बटे में क्या है 3, 3 से 1 बार कटना 3 से 2, तो 6 × 2 कितना आ गया आंसर 12। मध्य अनुपाति पूछ ले तो अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपाति पूछ ले तो 20 स्क्वायर बटा 1। कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब याद है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए काफ़ी, अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट दोगे कि सर क्लास रेगुलर निकालो, तभी मैं रेगुलर निकाल पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रेगुलर क्लास निकालूंगा आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। मैं भी चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं तो अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। मैं अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ टाइम बहुत कीमती है, मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो आपको भी इसका सदुपयोग करना चाहिए, समझना चाहिए कि सर अपने लिए टाइम निकाले, भाई टाइम किसी के पास नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी तैयारी में लग रहा हूँ वो टाइम वेस्ट करूँगा, और आप क्लासेज नहीं लोगे तो वो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट में बता दें सर क्लास रेगुलर लें या एक दिन छोड़ के एक लें, एक दिन छोड़ के एक दिन लूँगा तो भी बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आधे घंटे क्लास निकाल दूँगा डेली डेली आधे घंटे की, जिससे आप क्या कि आधे घंटे के अंदर 2 बार उस क्लास को देख लो आगे पीछे करके, एक बार देख ले दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार देख सकते हो उसको, और नोट्स बनाते रहो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा यहाँ पे आपको मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फुल टाइम है, कोई मतलब नहीं है किसी से, अपने पास फुल टाइम है। तो प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट में कि क्लास रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन और पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पता है मैं आगे इससे कुछ नहीं कहूँगा। कुछ समझदार हो, आर्मी में जा रहे हो आप, देश सेवा के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है कि देश सेवा के लिए पहले अगर आप किसी बॉर्डर पे जाते हो तो आपको फुल तैयार होकर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप तैयार होकर नहीं जाओगे एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पता है रिजल्ट क्या आता है, वो आप खुद समझदार हो। तो कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।